अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक ठाक है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। और आप लोगों की ईद कैसी गुजरी? हमारी तो बहुत अच्छी गुजरी। मैंने छोटे छोटे क्लिप लिए थे अपनी ईद के कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो वो आज मैं आप लोगों को दिखाऊँगी और इसे बताऊँगी कि इधर बकरा ईद किस तरह मनाई जाती है, कुर्बानी वगैरह का क्या सीन है, इसके बारे में भी आप लोगों को के साथ ना शेयर करूँगी। और ये मैंने रात को क्लिप लिया था, बच्चों को मैंने लगा ली मेहंदी और उनको सोने के लिए भेज दिया। और मैंने आज बनाया था गाजर का हलवा, क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि इधर सर्दी है तो गाजर का हलवा बना लो। वैसे भी हमारी दो तीन फैमिलियाँ इधर, मैंने आप लोगों को साथ शेयर किया था, तो एक मतलब ईद पे कोई ना कोई फैमिली बुलाती है और गैदरिंग हम उनके घर करते हैं। इस दफा हमारे कज़न हमें बुला रहे हैं, तो रात को ही मैंने सारा घर क्लीन कर दिया था ताकि सुबह मुझे करना ना पड़े। तो अभी हो गई थी सुबह और मैं वेदर चेक करने आई थी। मौसम इधर लग रहा था थोड़ा बेहतर, क्योंकि रात को सारी रात बारिश होती रही है और दिन में भी हमें अच्छा मौसम मिल गया था। थोड़ी बहुत बारिश हुई थी लेकिन ज़्यादा नहीं, मौसम सही रह गया था। हमारी अच्छी गुजर गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद फिर बच्चे उठ के आ गए और बच्चों को मैंने रेडी वगैरह कर दिया। इनको मैंने छोटी ईद वाली ही शलवार कमीज पहनाई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि शलवार कमीज ही पहन के मस्जिद नमाज पढ़ने जाएंगे और यही मुझे अच्छा लगता है, तो फिर मैंने वही इनको पहना दी। वैसे इस ईद के लिए ना मैंने इधर से ही पैंट शर्ट वगैरह ली थी इनकी। और उसके बाद आयजा भी भाइयों को देख के कह रही थी कि मुझे रेडी करें, फिर मैंने उसे रेडी किया। और उसका इस ईद पे लहंगा आया था, इसकी ताईजान गई थी पाकिस्तान, तो वो उसके लिए लेके आई थी, वो पहनाया, उसको रेडी वगैरह किया, उसकी पिक्चर वगैरह ली और माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही थी। आप लोग भी देख सकते हैं। मेहंदी दिखाओ, हाथ दिखाओ, ऐसे करके हाथ दिखाओ, दूसरा भी। उसके बाद ना मैंने समोसे कल ही बना के रखे थे, अभी फ्राई करके लिए साथ लेके जाने थे। मैंने जल्दी से रेडी किया, नाश्ता वगैरह बच्चों को करवाया हल्का फुल्का सा, और क्योंकि हमें एक चाट वगैरह तो उन्होंने बनाई थी। कॉमनली वैसे ईद पे चाट ही होती है, लेकिन इस दफ़ा वो कह रहे थे कि हमें चाट बनाई है, तो इसलिए फिर मैंने ना समोसे बना लिए ताकि ये साथ ले जाऊँ। उसके बाद फिर मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। मैंने एक बाउल में ठंडा पानी लिया, उसके अंदर आइस क्यूब डाली, क्योंकि इधर पोर्स का इतना ज़्यादा मुझे इशू नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे होता है कि जब बेस लगाई हो तो पोर्स अच्छी तरह मतलब नज़र ना आए। तो मैंने आइस क्यूब डाल के पानी के अंदर थोड़ा फेस डिप किया और वो श्रिंक हो जाते हैं पोर्स। उसके बाद अच्छा सा मॉइस्चराइज़र किया, जैसे मैंने फेस वॉश करके पानी को मतलब पानी ठंडे पानी के साथ या मुँह धो लिया या ठंडे पानी के अंदर फेस रखा। ये आप लोगों के लिए टिप है कि अगर किसी के पोर्स का मसला है तो वो इस तरह करें, तो इस तरह वो जब बेस लगती है तो पोर्स नज़र नहीं आते। मैंने सीरम अप्लाई किया है। सीरम ये केमार्ट का ब्रांड है जो मेलबर्न में इधर ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो वो ये यूज़ कर सकते हैं। ये सीरम भी काफ़ी इतना महंगा नहीं है, सस्ता ही है और काफ़ी ग्लो लाता है स्किन पे। और इसके बाद मैंने मॉइस्चराइजिंग, आप कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ कर सकते हैं, मैंने सीरा भी की और मेरे पास ये सिंपल का भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम था, तो ये मैंने यूज़ किया क्योंकि इधर मौसम काफ़ी ड्राई है तो स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है। इस वजह से मैंने ना ज़्यादा अच्छा सा मॉइस्चराइज स्किन को पहले किया, फिर उसके ऊपर ये सीसी क्रीम लगाई। ये सीसी क्रीम काफ़ी अच्छी है और ये आप लोग अगर किसी ने लेनी है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत अच्छी है। और ये इसका ना मैंने मीडियम कलर यूज़ किया था और ये फुल कवरेज देती है। और ये ब्लशन वगैरह मैंने यूज़ किया थोड़ा बहुत, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये लिपस्टिक मैंने लगाई थी, ये भी बहुत ही प्यारा कलर था। उसके बाद रेडी होके हम निकल पड़े थे क्योंकि लंच टाइम उन्होंने इनवाइट किया था। और अभी मैं आप लोगों को कुर्बानी के बारे में बताती हूँ। इधर कुर्बानी का ये होता है कि अगर हम मतलब जहाँ हम गोश्त वगैरह लेके आते हैं उधर हम पैसे दे आते हैं कि जितनी कुर्बानियाँ देनी हो एक या दो, तो फिर वो नेक्स्ट डे ईद के नेक्स्ट डे वो ना गोश्त वो बना के दे देते हैं। कलेजी वगैरह नहीं आती, सिर्फ गोश्त आता है और वो बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे नॉर्मली पीसेस में मतलब छोटे छोटे कट किया होता है वैसे होता है। लेकिन ये कि इस दफ़ा हमने ना ईदी फाउंडेशन वालों को कुर्बानी के दे दिए थे, पाकिस्तान चली गई थी कुर्बानी हमारी, और अल्लाह कबूल करे, अल्लाह सबकी कुर्बानी को कबूल करे। और ये इसी तरह इधर कुर्बानी का होता है, कोई मतलब सामने कुर्बानी नहीं होती और ना बकरा आता है, पैसे दे दिए जाते हैं। तो ये देखे माशाल्लाह, मैं आईब्रो पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। मतलब कुछ अरसे से पता चला कि आईब्रो अगर बने हों तो ज़्यादा मतलब फेस अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं आईब्रो पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। तो ये देखे जी बिरयानी, हम उधर पहुँचे सबसे पहले, हम भी पहुँच गए थे, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हम पहुँचे। वैसे बच्चों के साथ ना हमेशा ही लेट होते थे,
तो खाना बिल्कुल रेडी था और सब जब आ गए तो फिर बिरयानी वगैरह काफ़ी मज़े के खाने बने हुए थे। हमारी कज़न बहुत मज़े के खाने बनाती है। दही बड़े वगैरह थे, चिकन के लेग पीस थे, कोफ्ते थे और काफ़ी मज़े की चीज़ें थी और हमने सब ने खाया, इंजॉय किया। मेन चीज़ होता है गैदरिंग, बातें वगैरह की और बच्चे बहुत खुश थे। और उसके बाद हमने तस्वीरें वगैरह बनवाई। ये देखिए माशाल्लाह मेरा सूट है पूरा और बच्चे, और ये देखिए जूता, मैंने बहुत कोशिश की कि ना आए लेकिन फिर भी आ गया। और ये मेरे हस्बैंड है माशाल्लाह। और उसके बाद आदमी ने बनाई चाय। इतना मज़ा आ रहा है ना चाय का, तो पतो पतो आदमी ने बनाया। नहीं आपने हाथ लगा दिया तो हेल्प हो गई। जब मोटा और ये इकट्ठे आए ना तब ज्यादा लंबा आ सके लिए और मजे का और ज्यादा मजे का घोड़ा। अभी हम जा रहे थे घर और काफ़ी बातें करते करते लेट हो गया। बहुत मज़ा आया हमें ईद का। हम इस तरह ईद इंजॉय करते हैं, सारे इकट्ठे होते हैं, हर ईद पे कोई ना कोई एक फैमिली इनवाइट करती है और इस तरह काफ़ी बातें करते हैं, मूवीज़ वगैरह देखते हैं और बच्चों को भी एहसास होता है कि ईद है। लेकिन ये कि इधर कुर्बानी की का मैंने आप लोगों को पहले बताया कि कुर्बानी का इधर इतना वो नहीं होता कि बकरा स्पेशल है जैसे पाकिस्तान में होता है, वैसा तो ज़ाहिर नहीं होता, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम इंजॉय करें रादर देन कि हम बोर हों ईद वाले दिन। तो इसलिए फिर हम ना इकट्ठे प्लान बनाते हैं और इकट्ठे होते हैं और काफ़ी मज़ा आता है। और अल्लाह पाक सबकी ईदों को ऐसे खूबसूरत और मतलब अच्छा बनाए, और जिन्होंने कुर्बानी दिया अल्लाह उनकी कुर्बानी कबूल करे और हमें हमने भी दी है माशाल्लाह और हमारी कुर्बानी भी कबूल हो करे। और इसी तरह फैमिलीज़ के अंदर मोहब्बत प्यार दे, मैं तो इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हूँ कि प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए क्योंकि ये ज़िंदगी है, फटाफट ज़िंदगी गुजर जानी है, ज़िंदगी के दिन फटाफट गुजर ही जाते हैं और ये जो सारे गिले शिकवे बात सारी इधर ही रह जाने हैं और इकट्ठे हों, मज़ा करें, इंजॉय करें, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करें और ये लम्हात हमारे बच्चे भी देखते हैं और हम बच्चे भी खुश होते हैं। तो मैं अब नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। हम माउंट बुला मेलबर्न में विक्टोरिया में माउंट बुला है जिधर बर्फ़ पड़ती है, उधर हम गए थे तो उधर की मैंने काफ़ी वीडियो बनाई है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं ना शेयर करूंगी, बहुत एक्साइटेड हूँ शेयर करने के लिए। तो तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।